गोलियां 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 चंडीगढ़ से चलियां तार तार गोलियां गोलियां चिल्ला के बिश्नोई दे बंदियां ने पाती सोशल मीडिया ते वीडियो लुमाजरिया यह साइल माजरिया नोनी चंडीगढ़ गोली इस बार पे मारेंगे ठीक है। अपने बड़े भाइयों ने हुक्म दिया था अमेरिका से, अपने भाई जी है अनमोल बिश्नोई भाई, उन्होंने हुक्म दिया है इसको भगाना है कुत्ते की तरह। सुनिया कि मैं सोशल मीडिया से ले जा रही है गोलियां चलाने की जिम्मेवारी है हाल है चंडीगढ़ का, तो मौके पे की कुछ होया तो दिखाने हैं दैनिक मेल पंजाबी टीवी दे चंडीगढ़ तो रमेश कुमार दिलबार। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਕੂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, SHO ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ शक जता रही है कि जिंदा कारतूस किदा हो रहा है। अगर फायरिंग की गई सी ता चलिया वा खोल उत्थे फिलहाल नहीं मिला, लेकिन जिंदा कारतूस मिले। पुलिस इस पूरे मामले दे विच फैक्ट वेरीफाई कर रही है, आखिर पूरा विवाद किया कि पुरानी रंजिश सी या क्या, इहदे विच पूरा मामला मौके ते होर भी इत्थे मौजूद ने लोग। मामले दी आपां गल करिए ते ऑफ द कैमरा साडी पुलिस अधिकारियां नाल गल होई तो उन्होंने कहा तो इन्हां दा पुराना विवाद चल रहा जिस दे चलदिआं इह सब होया। फायरिंग दी जिहड़ी गल होई है उह CCTV कैमरे दी कुछ तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साझियां करांगे ते जिहदे विच इक मुंडे दे हत्थ दोनों हत्थां दे विच पिस्टल दिखाई दे रही है ते हवाई फायर कर रहा है। होर तुहानू दस दिए इस गल की पुष्टि जदों हो गई जदों उन्हां मुंडिया वालों ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट तो लाइव होके एक वीडियो पा दिती गई है। वह वीडियो की सी वह भी थोड़े साझी करांगे। देखो पहले उस वीडियो च उन्होंने पहला किदा CCTV जिहड़ी कैद हुई तस्वीर उहदे विच फायरिंग की, तो दूजा खुलेआम डड्डू माजरे दे रहण वाले रिंकू नूं चुनौती दे दित्ती है। उस पूरी वीडियो च की कुछ कह रहे ने ओ नौजवान मुंडे, पहला तां तुसीं इस वीडियो दी क्लिप नूं देखो। राम राम मेरे सारे भाइयों को, मैं बिल्लू माजरिया, ये मेरा भाई नोनी चंडीगढ़, ये मेरा भाई साहिल माजरिया परेशान, रिंकू डड्डू माजरे वाला बच गया, तो दीदी इस पे गोलियां चलाई ये हमने है और बच गया तो अगली बार भी मारेंगे। बच गया नहीं भाई, जरूरी है इसको मारेंगे। बड़े भाइयों ने ये अपना भाईचारा है सारा, अपने बड़े भाइयों ने, ये है बिल्लू माजरिया, ये है साहिल माजरिया नोनी चंडीगढ़, गोली इस बार पे मारेंगे ठीक है। अपने बड़े भाइयों ने हुक्म दिया था अमेरिका से, अपने भाई जी है अनमोल बिश्नोई भाई, उन्होंने हुक्म दिया है इसको भगाना है कुत्ते की तरह, इसको कोई भगाया भाई, इस बार बच गया पर अगली देंगे जरूर। सुन ले रिंकू, पिस्टल अटक गई, हमने ट्राई नहीं करी तेरी पिस्टल ते बच गया, कुत्ते के पर तेरी बेइज्जती कर दी, कुत्ते की तरह भगवाया तेरे को डड्डू मार देगा, करेगा लड्डू तू इसके साथ दिख गया। इसकी कुछ कह रहे ने, उन्होंने कहा इस बार बच गया तो अगली बार शायद नहीं बचेगा, खुलेआम धमकी दे रहे ने। थोन दस दिए अनमोल बिश्नोई दे कहने ते जो अमेरिका च ने उदे कहने ते ए सब कीता है, ए इन्होंने पुष्टि की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट तो लाइव होके। फिलहाल ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਵ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਲਿਆਮ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਕੂ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਜਨਮਦਿਨ ਪੇ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ, ਔਰ 10:55 ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਾ,
जैसे मैं निकला चार पांच जनों ने मुझे रोक लिया जी, एक्टिवा पे था मैं रेड कलर के ना, उन्होंने मेरे को रोका, उनको मैं बाई फेस और बाई नाम नेम जानता हूँ जी, ठीक है। मैंने पूछा बोलो, तो उनमें से दो बंदों ने पिस्तौल निकाल के मेरे सिर पे रखी, तो जैसे उन्होंने मेरे सिर पे पिस्तौल रखी तो मैंने चलाने लगे, तो मैंने उनके हाथ पे हाथ मार के वो पिस्तौल चली, तो मेरे सिर के पीछे से गोली चली गई। ऐसे ही मैं उसी टाइम पीछे से उन्होंने मेरे को घेरने की कोशिश करी, मैं गिरता पड़ता वहाँ से दौड़ा, और मेरे पीछे मैंने मुड़ के देखा पीछे से भागते हुए तो सौरभ फनोनी और साहिल ब्रेड वरुण जूम और बिल्लू नाम के दो तीन चार बंदे थे जी, और उनमें से तीन बंदों के हाथ में पिस्तौल थे और तीनों मेरे पीछे गोलियां चला रहे थे। कोई पुराने दुश्मन थे थोड़ी? अनपहचाते बंदे थे, मतलब कुल टोटल सात आठ जने थे जी। कोई पुरानी रंजिश था नहीं थोड़ी? मेरी कोई रंजिश नहीं जी, पर वो मेरी झूठी कंप्लेंट देते हैं पहले कि भाई हमारा आपस में झगड़ा हुआ है। उसका डैडी है जी सतीश, जिसका नाम गोरखा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। उसने अपने लड़कों को बोला कि इसको मार दो, क्योंकि जब वो वहाँ से भागे और मेरे पीछे भागे तो वो बोलते रहे कि मैं आज हमारे बाप ने बोला कि इसको मार दो, ये बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो भागते भागते मेरे घर के पास तक आए, जब मेरे घर के पास आए तो मेरे घर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जी, उसमें भी वो क्लियर आ चुके जी। उन्होंने पिस्तौलों से यहाँ पिस्तौल दिखा के गोलियाँ चलाई जी, दो पिस्तौल उनके पास थी जी, और एक वो वाइट कलर की मोटरसाइकिल पे थी। वो कर देगी ये काम? करते जी, वो नशा नुशा बेचने का काम करते जी, नशा करते भी और बेचते भी। तो हुण की होया जेड़े सवेरे 4 बज गए थे, 10 बजे दी गल कर? 4 इसलिए बज गए जी, वो हमारे यहाँ के एरिया के एसएचओ साहब आए थे, वो पहले तो आके मेरे को बोलने लगे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ, तू झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब हमने खुद अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उनको दिखाई तो वो कहने लगा कोई नहीं तू कंप्लेंट बना के दे, और मैंने जब कंप्लेंट बनाई तो जी 3 घंटे हो गए, वो अभी तक कोई मेरी कंप्लेंट लेने नहीं आया, और वो मेरे को बोल के चले गए भी कोई नहीं आ रहे कंप्लेंट लेने। तो मैंने उसके बाद एसएसपी मैडम को फ़ोन किया, एसपी सर को फ़ोन किया, पर तब जाके मेरे पास कोई कंप्लेंट लेने आया, वो भी एक होमगार्ड को भेज दिया जी, वो मेरे घर आया कहता दे दे कंप्लेंट, कोई नहीं कहता हम अपने आप देखेंगे जो करना है। अपने सहयोगी अंकित देना रमेश कुमार, दैनिक भेल, चंडीगढ़।